उन्होंने सिचुएशन बताया कि ऐसा ऐसा रोमांटिक गाना है, तो हम काफ़ी सारे डेमो बना के रखते हैं, तो इनमें से एक ट्यून जो है बहुत ही प्यारा है और इनको ऐसे सॉफ्ट चाहिए था गाना, और विक्रांत का गाया हुआ एक डेमो था, फिर हमने उसको रीप्रोग्राम किया और रीअरेंज किया करके फिर रिकॉर्ड कराया विक्रांत से करके मैं उनको दिया। सुजात का मैं 2015 से हम साथ में हैं, हमने एक 3 फिल्में की है, मंसून, मुरारी द मैड जेंटलमैन, माय फादर फी इकबाल, और ये थर्ड फोर्थ वेब सीरीज है डेथ वारंट, तो हम जुड़े हुए हैं और आगे भी हमेशा जुड़े रहेंगे ऐसा। और सॉन्ग ही बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है, जब इन्होंने कंपोज किया था तो आई थिंक जब भी मैंने गाया ये आप इधर रिकॉर्ड किया था, नॉर्मली जैसे हम डेमो रिकॉर्ड करते हैं तो सडनली इनका कॉल आया कि अभी सॉन्ग फाइनल है तो इसका कंप्लीट करते हैं। सॉन्ग बहुत अच्छा था, एक बार रिकॉर्डिंग हुआ, फिर कुछ सेकेंड टाइम जब सेकेंड अंदर कंप्लीट करना था उस टाइम रिकॉर्ड किया यूट्यूब जर्नी। अरे बहुत अच्छा है, और टी सीरीज तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हम बहुत खुशनसीब है इस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किए हमारे गाने को और प्रमोट भी कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे, लोग सुन भी रहे हैं, हमें ये भी आ रहा है, फीडबैक भी आ रहा है बहुत अच्छा करके, और उम्मीद करता हूँ आगे सबको अच्छा लगेगा। नहीं मैं इसको इसके बारे में तो अभी सॉरी इनके बारे में मैंने बोल दिया जितना बोलना था और इन्होंने भी बोला, आगे मैं उसको भी प्लेबैक कराऊंगा, ये मैंने उसको कमिट किया, और प्लेबैक वॉइस भी है उसका और बहुत अच्छा गाता है, आप लोगों ने सुना भी इसको, तो आगे भी मेरे साथ गाएगा और हम चाहते हैं कि सब आगे बढ़े और लाइफ में कुछ करें ऐसे। इनफैक्ट टी सीरीज के लिए मैं बताना चाहूँगा, मेरा ऑलरेडी ये थर्ड सॉन्ग है, फर्स्ट सॉन्ग था अर्जियाँ, इसके लिए अभी 116 मिलियन व्यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया पब्लिक ने, इनफैक्ट उसके लिए मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड भी मिला था, तो इट्स माई थर्ड सॉन्ग है थ्रू टी सीरीज। अभी नेक्स्ट सॉन्ग भी है, वो भी आने वाला है। अगर दो लाइनें हो जाए ये साथ ही रहना, तू मोहब्बत है मेरी, तू इबादत है मेरी, आशिकी तू है मेरी, तू ही चाहत है मेरी, तेरी दीवानगी मुझ पे है इस कदर, दिल जानो रूह तलक कर दी तेरी नजर, हो साथी रे साथी रे ओ साथी रे, साथी रे साथी रे ओ साथी रे, हो माही रे माही रे ओ माही रे, साथी रे साथी रे ओ साथी रे। मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली टैलेंट पे विश्वास रखता हूँ, आजकल जो दिखावे में या अपने पब्लिसिटी के लिए किसी को भी उठा के हाँ कुछ भी बना दो, ये मंडल वो मंडल, तो वैसा टाइप का मेरा काम नहीं है, मैं एक अच्छे हीरा को चुना हूँ और इसने अच्छा रंग दिया और आगे जाके भी अच्छा करेगा ऐसा है, तो मैं भी प्रशांत बोला तो आप लोगों को बोला कि मैं ट्रेन में ही उसको गुनगुनाते हुए सुना था, फिर मैं अपने घर पे लेके आया उसको, ठीक है, तब उसकी परिस्थिति बहुत नाजुक था, अभी उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, ये बहुत ही ईश्वर की कृपा है और उसकी मेहनत का फल है, तो ऐसे लोगों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो एक समाज भी सुधरेगा है, और किसी को भी उठा के आप कुछ गवा के उसको लता जी और रफ़ी जी का दरवाज़ा दे देंगे मतलब ये सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना, अच्छे लोगों को चांस दिया जाए, अच्छे लोगों को मौका दिया जाए जो टैलेंटेड है, रियल टैलेंटेड है। थैंक यू सो मच। एज अ परफॉर्मर तो जब भी आपको एक अच्छा किरदार निभाने का मौका मिले तो आप ऑफ कोर्स यू जंप टू द सेम, आप करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे तो ये सर्वाइवल अपनी जगह पे, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स यू लव टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट।
उसके अलावा सुजात भाई मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी उससे पहले भी हमने काम किया है साथ में, और जब उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा है और कंपैरेटिवली जो हमने पहले किया है उससे कम ही है, इसको हम कह सकते हैं इज अ गेस अपीयरेंस, बिकॉज उसमें एक बिल्डअप था सीज़न टू क्रिएट करने के लिए। एंड सीज़न टू में जिसका, जैसे कि आपने सेक्रेट गेम्स में पंकज त्रिपाठी का पहले सीज़न में जैसे था कम पोर्शन, देन सीज़न टू में ज़्यादा आ गया, तो उसी तरीके से इसमें भी है। और कहानी बहुत अलग है, कहानी जिस आप लोगों ने ट्रेलर भी देख ही लिया होगा अंदाज़ा हो ही जाता है। और हॉलीवुड में ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम होता है, काफ़ी हद तक हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है इतना लेवल पे। और कहीं ना कहीं अगर इंसान को लगता है कि कुछ कमियाँ, हमें हमेशा हम पहले कमियों को ढूंढते हैं, खामियाँ पहले निकालते हैं, खूबियों की बात पे बाद में करते हैं, लेकिन कीपिंग द बजट कंस्ट्रेंट्स इन माइंड मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। और जिस हिसाब से मैंने इसके रशेस देखे हैं डबिंग पे स्टूडियो में, आई एम होपफुल कि लोगों को ये पसंद आना चाहिए। ओके, सो द स्टोरी लुक क्वाइट डिफरेंट चलेगा डेफिनेटली। सी वाकई क्या है, अल्टीमेटली ऑडियंस को चाहिए जेनी, हमारे हर कंटेंट की ऑडियंस है बिकॉज ऑफ द OTT। आज की तारीख में पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू लुक एट द कंटेंट जो उनको बांधे रखे, स्पेशली अगर हम 2020 की बात करें, लॉकडाउन में बात करें, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी बनी देख नॉर्मली मैं शायद वो लोग देखते नहीं, बट पीपल हैड नथिंग टू डू, तो वो लत लग गई। और जब एक लत लग जाती है देन यू स्टिक टू इट, दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट, इट्स गुड टू गो टू द सिनेमा हॉल्स टू वॉच अ फिल्म, बट ये है कि हम अपनी, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वाला सीन हो गया है, वी आर वॉचिंग आर एंटरटेनमेंट एज पर आर कन्वीनियंस, वी पॉज इट, वी डू सम अदर वर्क ऑल्सो, देन वी कम बैक। उस हिसाब से दे नीड डिफरेंट स्टफ, देर आर लॉट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड विच आर देयर, एंड दे आर दे हैव n number of subjects, so it is in need of an hour for us also to create some stuff, some create some content which is different from the league, so that like people have options to watch. Okay, so when the sir narrated you this script, so what was the first thing that came in your mind that I need to do this? Ultimately, for as I said earlier also, for an actor, you like the first thing which you do is like, you know, is there anything different for me? As far as my character is concerned, like I have played many negative characters in most of the films, series and all. This was completely different, a cop and a different shade altogether. And as a performer also, you feel good to show your versatility. So it was an option for me, opportunity for me to show my versatility to the audience. Okay, so do you think it is somewhere inspired by the Mogwa character? Oh, that was it's completely different. It's not, because that was more of zombies. Yeah. It's not a zombie. Yeah. Zombie, we have seen a lot of zombies in Hollywood also. काफी बनी है चीजें उसपे. It has nothing to do with that. हाँ, of course आप supernatural की बात करेंगे, उस हिसाब से बात करेंगे, horror kind की बात करेंगे, तो उससे तो मिलता जुलता है, वो तो हम कितना भी बना लें, एक चीज दूसरी चीज से मिलती ही मिलती हो. You cannot completely create a fresh stuff, but yes, it is different for sure. No, the way it's been. कहानी जिस हिसाब से बताई गई है ये अलग है, द वे इट्स बीइंग पोर्ट्रेट, द वे इट्स बीइंग शॉट, एंड लोकेशंस आर ब्यूटीफुल, ऑडियंस के लिए इट्स अ ट्रीट टू वॉच, दैट्स व्हाट आई पर्सनली। ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, इज इट नेगेटिव? नो, इट्स नॉट नेगेटिव, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिड, दैट्स व्हाई मैंने पहले कहा कि इट्स अ वर्सटैलिटी व्हिच अ पर्सन हैज टू शो, बिकॉज सी नेगेटिव मैं पर्सनल लाइफ में नहीं हूँ, बट ऑन स्क्रीन सब मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स की वजह से ही जानते हैं, और जब सामने बोलते हैं तुम हंसते भी हो, मैंने कहा मैं हंसता भी हूँ। खैर, तो दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू पोर्ट्रेट डिफरेंट कैरेक्टर, इनफैक्ट काफ़ी और भी किए हैं, बट दिस इज़ वन सच कैरेक्टर विच आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इन सीजन टू ऑल्सो, एंड आई एम श्योर कि यू विल लाइक इट, एवरीबॉडी विल लाइक। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ 2022, सो हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2022? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई और लॉकडाउन ना हो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लोगों ने मास्क पहने होंगे, लेकिन मास्क नहीं पहने हैं, मैंने भी अभी उतारा है। खैर, but let's pray and hope it doesn't happen, whatever we were seeing from last 2 years, that doesn't repeat, and we be a little careful and we pray for well being, sabki sehat ke liye dua kar sakte ho, sabka kaam bana rahe, aur that's all we can do and we can pray. Goa gone ki baat kare, that subject was on zombies kya hote hain, wo dead hote hain aur dead infected hote hain. Hamari is kahani mein aisa nahi hai, basically ek virus hai jo जानवरों से इंसान में आता है और इंसान मरता नहीं है, इंसान के अंदर कुछ ऐसे एग्रेसिव वायरस के बैक्टीरियाज आ जाते हैं जिसकी वजह से वो आदमखोर हो जाते हैं।
सो बेसिकली ये एक वेब सीरीज़ है जिसके चार सीज़न हैं, अभी तो हम कल से फर्स्ट सीज़न देखेंगे। तो अगर मैं शॉर्ट में प्लॉट बताऊँ तो जंगल स्टोरी है, क्योंकि जानवर ज़्यादातर जंगल में होते हैं। तो हमारे नॉर्थ में क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, तो एनिमल वेलफेयर सोसाइटीज़ में बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं। तो ये एक ऐसी टीम की कहानी है, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की टीम जो कि एक वायरस से लड़ रही है। बेसिकली हमारे नॉर्थ में क्या होता है कि जानवरों में बहुत से वायरस होते हैं, तो ये हर 20 साल बाद ये वायरस वापस आता है। तो इस तरह से इस कहानी में दिखाया गया है। तो वही है कि एक जर्नी है टीम की कि उनको इस वायरस से कैसे लड़ना है। इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, स्ट्रगल बढ़ता जाएगा, कैसे वो इस चीज़ को ख़त्म करेंगे पूरे चार सीज़न में हम देखेंगे। तो फिलहाल तो फर्स्ट सीज़न जो है उसमें एक एक्शन जर्नी है पूरी टीम की, और सीज़न टू में हमारे साथ कुछ नए फेसेस फ्रॉम द मार्केट जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीज़न टू में। तो एवरी सीज़न हमारे पास कास्ट वाइज अपडेट होता रहेगा, हमारे साथ और नए चेहरे मार्केट से जो है जुड़ते जाएंगे। सी जैसा कि अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में कह लो या पूरे वर्ल्ड में जो कोविड की वजह से जो सिचुएशन है, थिएटर्स तो ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम रनिंग उनकी चल रही है, तो OTTs पे लोगों को वक्त मिल रहा है। OTT हमारे इंडिया में बहुत अच्छा हुआ था, जिस तरह से हम भी OTT पे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार इस सब्जेक्ट को थोड़ी सी हाइप मिले, थोड़ा सा माउथ पब्लिसिटी मिले, तो डेफिनेटली ये टच करेगा, क्योंकि हमने टेक्निकली चीज़ों को मेंटेन रखा है। फ़र्क नहीं पड़ता है किस प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन इजी अवेलेबल होना इसका ज़रूरी है, इजीली हम लोग इसे देख पाएँ। तो डेफिनेटली कल से है, अभी और भी कुछ OTTs हमारे हंगामा के साथ जुड़ेंगे जो फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो वहाँ भी लोग देख पाएंगे, लेकिन अभी मैं वो डिक्लेयर नहीं कर पाऊँगा। तो आई थिंक 7-8 और OTTs हैं जो इसको मतलब ऑन एयर करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली विद द प्रमोशन ऑफ हंगामा धीरे धीरे वो लोग भी आउट होंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक रफ्तार पकड़ेगा। एग्जैक्टली जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी इसमें कास्ट में मीर सरवर जी हैं, राज शर्मा जी हैं। मीर सरवर जी को तो आपने बहुत सी फिल्मों में देखा ही है, राज शर्मा जी भी अभी OTT पे बहुत अच्छे अच्छे किरदार कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने तांडव की, अभी मत्स्य कांड में उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और वो आज है नहीं हमारे साथ, बट उसके अलावा संजय सिंह हैं, द गाय फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासीपुर, फजलू, ही प्लेड फजलू इन गैंग्स ऑफ वासीपुर, ही इज़ ऑल्सो देयर। यजवेंद्र प्रताप सिंह, ही इज़ ऑल्सो अ थिएटर आर्टिस्ट एंड ही हैज़ डन वेरी गुड फिल्म्स। उसके अलावा हमारे पास सीरियल एक्ट्रेस मोनिका चौधरी, द एक्ट्रेस फ्रॉम BA Pass 3 अंकिता चौहान, शी इज़ न्यू टू इंडस्ट्री, बट एवरीवन जितने भी लोगों ने काम किया, आई फील ब्लेस्ड एक्चुअली, क्योंकि मेरे शूट्स बड़े चैलेंजिंग रहते हैं। इससे पहले मैंने जो भी फिल्में की हैं सब बर्फ जंगल और ये सब रहता है, तो ऐसे वेदर में बहुत टफ होता है, लेकिन इतने बड़े एक्टर्स का मतलब ईजिली मेरे साथ घुल मिल जाना और अच्छे से एक्ट कर लेना उस माइनस टेम्परेचर में और बिना किसी नखरे के, तो ये मैं आई फील ब्लेस्ड एक्चुअली। थैंक यू सो मच सर।